पर आज हम सीधा टॉपिक पे जाना चाहते हैं। और टॉपिक पेज नंबर 38 में आप लोग देख सकते हैं, और मेरे सभी प्रभु के प्रिय और प्यारे लोग, पेन, नोटबुक और आपका जो है बाइबल और ये बुक आपके साथ रखे। तो टॉपिक हम बताने जा रहे हैं और आलिक भाई इसमें तैयार रहे। टॉपिक है उद्धार का आश्वासन और परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता, है ना। उद्धार का आश्वासन और परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता। अब ये उद्धार का आश्वासन हमें कैसे प्राप्त होता है, परमेश्वर कैसे हमारे स्वर्गीय पिता है, इन सब बातों को परमेश्वर के वचनों से हम जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर है, प्रत्येक शिष्य निर्माता अपने ही उद्धार के आश्वासन में दृढ़ता से खड़ा रहे। हर एक जो आप यहाँ पर लीडर्स है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने उद्धार के आश्वासन में दृढ़ता से खड़े रहे और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करेगा। जब आप खुद अपने उद्धार के प्रति सुनिश्चित हो जाएंगे, आश्वासन प्राप्त कर लेंगे, आप जान लेंगे कि कैसे परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया और कैसे परमेश्वर आपके पिता बन गए, तभी आप दूसरों को भी मदद कर सकते। एक मसीह अनुयायी के रूप में आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। एक मसीह अनुयायी के रूप में आप परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आपके पास उनके साथ सीधा और व्यक्तिगत संबंध और उनके वायदों के साथ उत्तराधिकारी होने की विरासत आप लोगों के पास है। ये वचन हमें रोमियो 8:17 में मिलता है, जिसे हम आगे देखेंगे। कुछ प्रश्न यहां पर है जो कल भी हमने देखा था कि पाप का नतीजा क्या है। तो बाइबल हमें बताती है कि पाप का नतीजा मृत्यु है, और हम अपने जीवन भर में क्या कमाते हैं, केवल मृत्यु। लेकिन यह सच्चाई परमेश्वर को जानने और समझने के बाद यह बदल जाती है। जब आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देते, जैसा कि लिखा है रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का मुक्त उपहार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन है। प्रभु परमेश्वर ने हमें मसीह में अनंत जीवन दिया है। अर्थात हमें देखा जाए तो हर वो इंसान जो यहां पर है, जो नर नारी की संतान कहलाता है, वो पापी है, और उसकी मजदूरी यह है कि वह मृत्यु को देखे। लेकिन परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन दिया है, ठीक है। तो बाइबल उन लोगों के लिए बताती है कि जो प्रभु में सो जाते हैं वे मुर्दों में से क्या उठेंगे, जी उठेंगे। और इस युग के अनुसार जिसमें हम जी रहे, जहां दिन प्रतिदिन प्रभु और उसका वचन और भविष्यवाणी पूरी हो रही है, अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं तो जो जिंदा है वो जीवित ही उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार से बाइबल हमें बताती है। तो हम देखते हैं कि पाप का नतीजा मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। लोग परमेश्वर को पाने के लिए कई अलग अलग तरीकों का प्रयास करते हैं, जैसे आप और मैं इस दुनिया में देखते हैं लोग क्या नहीं कर रहे। और अभी तो सीजन ही चालू हो गए, है ना, क्या नहीं करते और क्या क्या वो दाम चुकाने के लिए तैयार नहीं है कि परमेश्वर उन्हें मिल जाए, या परमेश्वर उन्हें मोक्ष दे दे, या परमेश्वर उनके घर में शांति ले आए, या उनके परिवार को ठीक कर दे। तो नाना प्रकार के पैतरे वो अपना रहे हैं, लेकिन बाइबल और परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो परमेश्वर का वचन समझेगा वो आशीष पाएगा, जो परमेश्वर का वचन समझेगा वो आशीष पाएगा। एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए जो सुन, देख और समझ सकता है, उसे सुनकर समझने की आवश्यकता है और प्रभु पे विश्वास करने की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से वो अनंत जीवन का भागी बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर को पाने के लिए कितने ही अलग अलग तरीकों का प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी वे पराजित हो जाते हैं। आज तक लोग परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्यों? उसका कारण हमें इफिसियों 2:8-9 में बताया गया है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है, और कामों के कारण नहीं, ताकि किसी को भी घमंड करने का मौका ना मिले। कहीं ऐसे लोग हैं
जो कर्मों पर ज्यादा आधारित है और सारी दुनिया और कई शास्त्र कर्मों पर बेस्ड है, लेकिन बाइबल यहां हमें ये बात बताती है कि कोई व्यक्ति कर्मों से उद्धार नहीं पा सकता, और वो अगर कर्मों से उद्धार पाता वो घमंड करता, मैंने कर्म किया है, ठीक है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने कर्म नहीं किया और अगर प्रभु उसे स्वर्ग में ले ले तो वो कहता कि मैं कर्म करके यहां पहुंचा हूं, आपने कैसे इस पापी को स्वर्ग में जगह दे दी। तो कर्म करने वाले घमंडी बन जाते, इसलिए प्रभु ने चाहा कि अपने ही अनुग्रह से, जैसा कि वचन में लिखा है, अनुग्रह के द्वारा विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर ने मसीह यीशु में हम पर अनुग्रह किया और आपने और मैंने उस पर विश्वास किया, इसके द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। तो हर वो व्यक्ति जो प्रभु के अनुग्रह को जान लेता है, जो मसीह में है और उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे अनंत जीवन देता है, परमेश्वर उसे उद्धार देता है। तो आज जैसे हम विषय में देख रहे हैं कि उद्धार का आश्वासन और परमेश्वर हमारे स्वर्ग पिता, वैसे अनेकों वचनों से आज परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे, पवित्र शास्त्र से वो हमें बताएंगे जो उन्होंने अपनी आत्मा के द्वारा इसे लिखवाया है, उनके वादे और वचन को हम यहाँ और गहराई से देखने पाएंगे। तीसरी बात, परमेश्वर हमें अपनी ओर किस प्रकार लेकर आता है। तो पहला पत्रस 3:18 में इसका जवाब मिलता है कि इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। That's the way, ये तरीका है परमेश्वर का कि हम पापियों को वो कैसे अपने स्वर्गीय राज्य में लेकर के आ रहा है, कैसे लेकर के आ रहा है, मसीह के द्वारा। और वचन क्या बता रहा है यहां पे, इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। एक धर्मी ने अर्थात मसीह ने अधर्मियों के कारण उठाया, क्यों, ताकि आपको और मुझे वो परमेश्वर के पास पहुंचा सके। और इसका प्रावधान भी परमेश्वर ने ही किया, बाकी आगे वचन कहता है, और शरीर के भाव से तो मारा गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। पवित्र शास्त्र इस बात की सबूत को हमें देती है कि मसीह जो है मारा गया, जाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तो हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर कैसे हमें अपनी ओर लेकर आता है, और इसका एकमात्र जवाब है, और वो है मसीह। आप सीख रहे हैं उद्धार का आश्वासन और परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता। जब आप इस बात को समझेंगे, जानेंगे, तब आप भी औरों को इन वचनों से या जहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं उन बातों से आप लोगों को प्रशिक्षित कर पाएंगे कि परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा कैसे आपको परमेश्वर उद्धार देता है और कैसे परमेश्वर आपका स्वर्गीय पिता बन जाता है। इसलिए इस शिक्षा को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना बहुत जरूरी है। हालांकि एक समूह चर्चा थी, परंतु इसे समूह में चर्चा न करते हुए हम वचन के अनुसार देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे उद्धार के बारे में हमें आश्वासित करता है अपने वचन से। तो आती हमारे लिए पढ़ देंगे 1 यूहन्ना 5:11 उसका 13 वचन। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आप देख रहे हैं वचन में क्या लिखा है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। उत्पत्ति में हमने देखा पाप करने के द्वारा इंसान केवल शरीर ठहरा। आज सैकड़ों करोड़ों अरबों लोग हम संसार के अंदर देखते हैं, पर ये सब स्वर्गीय पिता के राज्य के वारिस होंगे इस पर कहते नहीं आता, क्योंकि बाइबल तो कुछ और ही कहती है। ये यह कहती है कि जिसके पास पुत्र होगा, जिसके पास मसीह होगा, उसी के पास जीवन होगा, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। ये वचन हमने 1 यूहन्ना 5:11-13 से पढ़ा, उसके आगे यूहन्ना 5:24 क्या कहता है, उनके लिए जो मसीह पे विश्वास करते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये वचन आपके लिए और मेरे लिए इस बात का आश्वासन है कि जो कोई उसके भेजने वाले पर अर्थात मसीह के भेजने वाले पर और मसीह पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं। परमेश्वर उन्हें दंड नहीं देंगे, क्योंकि उनका दंड
विश्वासी है जो परमेश्वर मसीह पर विश्वास करते हैं उनका दंड मसीह ने सह लिया है और उसका भुगतान उसने कर दिया है। इसलिए मसीह भी इस बात को कह रहा है कि जो कोई मेरे भेजने वाले पर और मुझ पर विश्वास करेगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये वचन हमें आश्वासित कराता है। और हम वचनों को देखेंगे 29 में यूहन्ना के और 17 और 1 से लेकर 3 में, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, मैं और पिता एक है। परमेश्वर ने मसीह में हमें रखा है और मसीह इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अर्थात पिता ने, हमारे स्वर्गीय पिता ने ऐसा किया है, हम वचनों से देख सकते हैं। और उसी प्रकार यूहन्ना 17:1-3 कहता है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। इस वचन 17:3 को हम प्रकाश में लाना चाहेंगे। अनंत जीवन यह है कुछ परमेश्वर और मुझे जिसने तुझे भेजा है जाने, यही अनंत जीवन है। और अगर आप मसीह को, परमेश्वर को जान रहे तो अनंत जीवन आपका है, अनंत जीवन मेरा है, और हमें अनंत जीवन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जीवन के बाद मृत्यु इंतजार कर रही है। जीवन तो हमारे पास पहले से ही है और हमें अनंत जीवन चाहिए, और यह अनंत जीवन केवल मसीह हमें देता है। ऐसे वादे, ऐसे वचन मैंने कहीं और नहीं देखा। जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हम सुनते हैं, ऐसा परमेश्वर नहीं, ऐसा वादों का खुदा नहीं जो हमें इस प्रकार के वायदे दे। और हम है ही क्या, फिर भी उसे हमारी चिंता है। दाऊद कहते हैं, मैं जब आकाश और इन तारागणों को देखता हूं तो मनुष्य है क्या कि तू उसकी चिंता करे, फिर भी तू उस पर ध्यान धरता है। तो आपको और मुझे परमेश्वर, जो एक मिट्टी है, इसके बावजूद भी परमेश्वर हम पर मन लगाता है, अपना चित्त लगाता है और हमसे प्रेम करता है और हमें अनंत जीवन देना चाहता है। और ये अनंत जीवन केवल केवल परमेश्वर हमें मसीह में देते हैं। जिस प्रकार से हम एक एक वचन पढ़ रहे हैं, हम देख पा रहे हैं केवल परमेश्वर ही हमें ये अनंत जीवन देते हैं, मसीह में। आगे वचन पढ़ेंगे, यहूदा 1:24, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। आमेन। वो केवल मसीह है जो हमें बचा सकता है और निर्दोष परमेश्वर के आगे खड़ा कर सकता है। आमेन। और उसी के साथ आगे हम वचन देखेंगे, रोमियो 8:16-38। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। आमेन। ये वो वचन है, बहुमूल्य वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि कैसे आप और मैं परमेश्वर के राज्य के वारिस बनते हैं, मसीह के संगी वारिस बनते हैं। बिल्कुल ये हमारे विषय से, जिस पर हम विषय कर रहे हैं, उद्धार का आश्वासन और परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता, ये सारे वचन है कि जिसके हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हम स्वर्गीय घराने के हैं, हम स्वर्गीय संतान हैं परमेश्वर के। ये आप कह सकते हैं इन वचनों के माध्यम से। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, इन वचनों को आपको अपने जीवन में काम करके रखना है। अनुग्रह से विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है, कामों से नहीं, जैसा कि पहले भी हमने देखा कि कर्मों से घमंड आ जाएगा। प्रभु चाहते थे कि कोई घमंड ना करे, परंतु वे ही अपना अनुग्रह हरेक को प्रदान करे, और उन्होंने किया भी मसीह में। अब जो कोई विश्वास करे तो विश्वास से धर्मी ठहरने पाएगा, और कोई परमेश्वर के आगे जाकर ये नहीं बोल सकता मैं अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग में आया हूं, मैंने कार्य किया है, कोई ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उद्धार केवल मसीह पर है, क्योंकि मसीह ही हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, और उसी में हमारा उद्धार है, उसी में हम पर अनुग्रह हुआ है। सो इफिसियो 2:8-9 में हम ये पढ़ते हैं, लोग इसे मुक्त उपहार को कमाने के कई तरीकों का प्रयास करते हैं, फिर भी आखिरी में असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को ठुकरा रहे हैं।
वो अपने कर्मों या प्रयासों से परमेश्वर के उद्धार को और स्वर्गीय राज्य को सुख शांति को पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ये मुफ्त में रखा है आपके लिए और मेरे लिए, ये मुफ्त में है केवल विश्वास के द्वारा। परंतु आप और मैं जानते हैं ये आपके लिए और मेरे लिए तो मुफ्त है, परंतु किसी ने इसका दाम चुकाया है, किसी ने इसका दाम चुकाया है। ठीक है, कोई अगर हमें गिफ्ट दे तो वो हमारे लिए तो मुफ्त हो जाता है, लेकिन कोई उसका दाम चुकाता है। तो परमेश्वर ने हमें तो इसे मुफ्त में दिया है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी दाम परमेश्वर ने चुकाया है अपने पुत्र के द्वारा। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, आपको और मुझे आशीष देने के लिए, केवल और केवल आपको और मुझे आशीष देने के लिए परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसको हम मैनुअली अगर समझे तो मान लीजिए मैं हूं और आप सबके लिए मैं अपने बेटे को कुर्बान करता हूं, यह साबित करने के लिए कि मैं आपसे प्रेम रखता हूं और इस हद तक रखता हूं कि मैंने अपना एक बेटा भी दे दिया। तो परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको अनंत जीवन दिया है, क्योंकि उसने अपने एक पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा केवल आपके लिए और मुझे। जब यह वचन मैं पढ़ता हूं कि परमेश्वर ने जिसके पास सबसे कीमती था उसे भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा, तो यह हमें उभारता है, यह हमें आशीष देता है और परमेश्वर की ओर हमें बढ़ाता है। तो प्रभु आपको आशीष दे। कुछ सवाल आपसे मैं पूछूंगा, आप उस सवाल का जवाब दे, हर कोई जवाब दे। इन वचनों को पढ़ने के बाद और उद्धार का आश्वासन प्राप्त करने के बाद यह सवाल आपके लिए है, क्या यीशु तुम्हारे लिए मारा गया, हाँ या नहीं? क्या आप विश्वास करते हैं या नहीं? आप चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं और माइक को अनम्यूट करके भी आप बोल सकते हैं, क्या यीशु तुम्हारे लिए मारा गया? हाँ। क्या आपने यीशु पर अपने पापों की क्षमा के लिए भरोसा रखा है? हाँ, यस। तो ये बात इस बात को दिखा रहा है कि कैसे आप परमेश्वर का वचन ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। ये जो शिक्षाएं हम ले रहे हैं ना, ये बहुत सिस्टमेटिक है कि हम जान सके कि परमेश्वर ने कैसे हमें उद्धार दिया और कैसे वो हमारे स्वर्गीय पिता बने। ये जरूर आपके लिए और मेरे लिए मुफ्त है, लेकिन परमेश्वर ने इसकी बहुत बड़ी दाम चुकाई। प्रभु को लाखों हजारों करोड़ों बार इसके लिए धन्यवाद कि मुझ पापी की सजा एक धर्मी को दिया और मुझ अधर्मी को धर्मी बना दिया केवल मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। समझने वाले धन्य होंगे जिस बात को समझेंगे, और जिन्हें बात समझ में नहीं आई आज मसीह उनके लिए तमाशा है, मसीह उनके लिए मजाक है, लेकिन जिन्हें समझ में आ गया वे प्रभु को हजारों करोड़ों बार धन्य कहेंगे और बस वो इंतजार करेंगे कब मैं अपने स्वर्गीय पिता से मिलूं, कब मैं अपने मसीह से मिलूं, कब मैं उस अनंत जीवन में अपने आप को देखूं। लिखा है पलक झपकते ही ऐसा होगा और हमारी ये नाशवान शरीर महिमा की देह में बदल जाए और प्रभु अपनी अनंतता में हमें थाम लेगा, प्रभु हमें आशीष देगा। कई धन्य आशा परमेश्वर हमको दिया है ताकि इस आशा को आप और मैं थामे रहे पूरी आत्मा से और सच्चाई से। इस पर मन लगाया करे, इस पर चिंतन किया करे, इस पर ध्यान दिया करे, हो ना जाए संसार की भीड़ में वचन आपके दिल और आत्मा में रहे। और ये वचन तो खास कर आपकी आत्मा में रहना चाहिए जो आपको आपके उद्धार के आश्वासन के प्रति सुनिश्चित करवाते हैं कि आप कैसे उद्धार पाए हुए परमेश्वर की संतान हैं और उसके स्वर के वारिस हैं मसीह में। यीशु उन लोगों से क्या वादा करता है जो उसके पीछे चलते हैं? यूहन्ना 10:28 में वो कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। यीशु वादा करता है, वादा करता है आपको और मुझे। क्या खूबसूरत परमेश्वर का ये वचन है जिसे आपको और मुझे थाम कर चलना है, जो हमारे जीते जी हमारे लिए सुकून और शांति का कारण है। मसीह ने बोला तुम्हें संसार में क्लेश है, लेकिन धारण बानो तुम्हें मुझमें, मेरे वादों में, मेरे वचनों में तुम्हें शांति मिलेगी। और यीशु कहे, जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है, वो आत्मा है, जीवनदायक आत्मा है। इसलिए हमें विश्वास से इसे ग्रहण करना है कि मसीह का वादा है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। ये अपने भविष्य को देखने के लिए
महान आशा को रखने के लिए क्या ही अद्भुत वादा है, और एक ऐसे व्यक्ति का वादा है जिसके वचन कभी टलते नहीं, जो जिसने बोला है उसे पूरा भी करता है, वो है मसीह, वो है परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वायदों के लिए। अनंत जीवन का मतलब केवल इतना नहीं है कि आप हमेशा के लिए जिएंगे, केवल इतना मतलब नहीं है, इसका मतलब है जीवित रहना और परमेश्वर के साथ वर्तमान में उसके राज्य में रहना। आप अभी भी परमेश्वर के अनंत राज्य में हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप अभी शरीर में हैं, लेकिन जैसे ही आप शरीर को छोड़ेंगे आप उस अनंत राज्य में अपने आप को देखने पाएंगे, अपने आप को देखने पाएंगे। तो अनंत जीवन का मतलब केवल इतना नहीं है कि आप हमेशा के लिए जिएंगे, केवल इतना ही अर्थ नहीं है, इसका मतलब है कि जीवित रहना और परमेश्वर के साथ वर्तमान में उसके राज्य में रहना। इसका मतलब है कि हम अभी वर्तमान समय में पवित्रता, धार्मिकता, दयालुता का जीवन जीने में सक्षम है और शांति, खुशी और आशीषों का अनुभव करते हैं। हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ संगति और उनकी आशीषों का आनंद उठाएंगे। आप दूसरों को आशीष देने और यीशु के प्यार के बारे में बताने के लिए भी जीवित है, जैसा कि यूहन्ना 17:3 में लिखा है, कुछ पिता और मुझे एकमात्र यीशु को वो जाने, यही अनंत जीवन है। तो मेरे प्रियो, आपके और मेरे पास जिनके पास अनंत जीवन है, हमारे लिए जरूरी है कि हम लोगों को परमेश्वर और मसीह को जानने के लिए मदद करें, ताकि वे भी अनंत जीवन के वारिस बन सके। तो आपके लिए, मेरे लिए आवश्यक है, प्रभु से प्रार्थना करें, इन दोनों अपने भूख और प्यास को, आत्माओं को जीतने के लिए बढ़ाए, प्रभु से कहे परमेश्वर अपने राज्य में मेरी सहायता करे कि मैं सैकड़ों हजारों करोड़ों लोगों को आपके आत्मा में, आपके राज्य में ले आऊं। पिता से कहे, पिता आपने मेरी जरूरतें की सारी संसाधन मुझे दिए, सुख शांति समृद्धि, खुशी, प्यार, आनंद, छुटकारा, आज मेरे पास ये सब है प्रभु, और भविष्य को उजाले में देखने के लिए मुझे आपने आशा और वादा दिया है। पिता मेरे लिए जीवन केवल खाना पीना ही ना रहे, काम करना ही ना रहे, फिर मर जाना ही ना रहे, परंतु जीते जी मैं आपके राज्य में बड़ा योगदान दे सकूं, आप मेरा इस्तेमाल करें। प्रभु से इन दिनों अपने प्रति बहुत ही गंभीर होकर परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु से कहना इससे पहले कि चला जाओ इस दुनिया से, अनंत के लिए कुछ नाम कमा जाओ खुदा, अर्थात आपके राज्य में कई आत्माओं को मैं जीत लाऊं। परमेश्वर से आप कहिए, प्रार्थना कीजिए, उसका बोझ अपने अंदर लीजिए, जैसा चल रहा है वैसा चलने ना दो, परंतु उसके वचन और आत्मा से भर जाओ, कि वचन आपके गुदे गुदे गाड़ गाड़ को, गुदे गुदे गाड़ गाड़ को तोड़ कर रखने वाला, आपको शांति देने वाला, आपको तसल्ली देने वाला। तो जरूरी है कि आपके और मेरे द्वारा भी लोग परमेश्वर को जानने पाए, ताकि वे अनंत जीवन के वारिस बने। फिर कुछ सवाल और आपसे, इसका जवाब भी आपको देना है, आप चैट बॉक्स में दे सकते हैं और माइक अनम्यूट करके भी दे सकते हैं। सवाल है, क्या आपको पता है कि आपको उद्धार मिला है इन वचनों को सुनने और जानने समझने के बाद? क्या आपको पता है कि आपको अनंत जीवन मिला है? हमें प्रभु आपको आशीष दे, ये आपका कन्फेशन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस पर आशीष दे, और इन सवालों के जवाब के साथ सारे वचनों से ही, सारे प्रभु के वचन और वादे बताने के बाद ही आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। अब यह बात भी आपसे पूछी जाएगी, आपको इसका जवाब देना है वचन के अनुसार। एक एक लोग एक मिनट लेकर के बोलेंगे, मैं नाम लेता जाऊंगा, वे बोलते चले जाएंगे। यदि कोई मसीह में है तो वे एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत चुकी और सब कुछ नया हो गया है। दूसरा कुरंथियों 5:17 के अनुसार, जो लोग यीशु को अपनाएंगे वे बदल जाएंगे, ऐसा वचन कहता है। क्या आपने अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन अनुभव किया है? तो पहला सवाल भाई निखिल से, क्या आपने अपने जीवन में मसीह को जानने के बाद आंतरिक शांति या पाप की जागरूकता और सजा या परमेश्वर का प्यार महसूस करते हैं, या पाप को हराने की क्षमता आप महसूस करते हैं, क्षमा प्राप्त करने की शांति आप प्राप्त करते हैं, परमेश्वर से जुड़ने की इच्छा क्या आपको उत्तेजित करती है, दूसरों की देखभाल और उनसे प्यार करना क्या आपको उत्तेजित करता है,
प्रार्थना के लिए आपके अंदर क्या जुनून है, परमेश्वर को और अधिक पूरी तरह से जानना क्या आपको उभारता है, यीशु के बारे में दूसरों को बताने की इच्छा क्या आपको उत्साहित करती है? यही सवाल आप सभी से है। भाई निखिल, आप जवाब देंगे इनमें से कोई भी एक। निखिल भाई जवाब देंगे, आपको ये बुक से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से बताना है। अभी हमने उद्धार और स्वर्गीय पिता बारे में देखा है ना, तो इसको जानने समझने के बाद सवाल तो मैंने जरूर पूछा है, लेकिन ये जवाब आपको अपनी आत्मा से, अपनी समझ से देनी है। हर किसी से जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो, या मैं आपका अनुभव आपसे पूछ सकता हूँ, एक मसीह है जो प्रभु में है, वो नई सृष्टि है, तो आप किन बदलावों को अपने जीवन में महसूस करते, ये सवाल है। तो भाई निखिल इसका जवाब देंगे और फिर उसके बाद हम अन्य लोगों से भी सवाल पूछेंगे। परमेश्वर ने दिया ताकि जिस तरह हमने अध्ययन किया और सारी बातों से मेरी बातें जान सकती है कि उधार मुक्त में है परंतु वो फ्री में है, उधार मुक्त में है परंतु वो सस्ता नहीं है। उसमें कीमत चुकाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया और बहुत से बदलाव को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। और भी अभी परमेश्वर को जानने की, दूसरों से प्रेम करने की और दूसरों के लिए विशेष करके मसीह हमारे भाई बहनों के लिए परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया इसके लिए। धन्यवाद। आमीन, आमीन। अब यहाँ पर मुझे जो पहले लिस्ट दिखाई दे रही है, बहन आशा है वो जवाब देंगे, हाँ कोई भी एक बोल सकते हैं, या सवाल आप सब लोग ध्यान से सुन ले पहले। यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी और सब कुछ नया हो गया है, 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार। तो मसीह में आने के बाद आप किन बदलावों को अपने अंदर देखते हैं, क्या ये बदलाव आपके अंदर आए हैं और कौन से बदलावों को आप अपने जीवन में देखते हैं और प्रभु के साथ आप क्या महसूस करते हैं, यह जवाब आप सभी को देना है। तो सवाल आप ध्यान से सुन के अब जवाब के लिए तैयार रहे, क्योंकि अब सवाल रिपीट नहीं होगा, केवल आपको जवाब देना है। देखो मसीह में आए हैं तो हमारा जीवन में तो जाहिर सी बात है कि हम मसीह में नई सृष्टि है, क्योंकि जब भी हम मसीह में आते हैं तो हमारे हर एक बातें प्रभु में बीत जाती है और हमारे लिए सारी बातें नहीं हो जाती है। तो स्वाभाविक सा है कि हम जब प्रभु में आए हैं तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे जो चीज हमें बुरी भी लगती है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन को याद करते हैं कि हम परमेश्वर में नई सृष्टि है तो हमें उसका स्वभाव अपनाना चाहिए। कभी कोई बातें हमें हार्ड भी होती है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि नहीं, हमें परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के जैसा दूसरों से प्रेम करना है। तो हम इस नई सृष्टि में परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर लेते हैं जिससे हम मतलब औरों से प्रेम कर सके, ताकि हमें भी लगना चाहिए कि हम परमेश्वर में नई सृष्टि है और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें औरों से प्रेम रखना है। जबकि नॉर्मली अगर ह्यूमिनिटी नेचर के अनुसार देखा जाए तो हमारे अंदर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें बहुत सारी बातों को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों से प्रेम करो। और बहुत सारी बातें हैं कि परमेश्वर कहता है कि किसी के बातों को माफ करो या किसी को क्षमा करो उसके बुराई के हिसाब से उससे नहीं, लेकिन मनुष्य को देखते हुए उसे, परमेश्वर के वचन को देखते हुए उससे प्यार करो। तो हमें ये बातें हैं जो हमने प्रभु से पाई है। आमीन। तो इन वचन और इन बातों को देखने के बाद हम देखते हैं कि कैसे जो है परमेश्वर ने हमें उधार दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करता है निश्चिंत ही उसके जीवन में बहुत प्रकार के बदलाव आते हैं। तो इस बदलाव के प्रति अभी जो नाम मुझे दिख रहा है वो सोनम सिस्टर का है मेरे आगे। जी हाँ, मैं परमेश्वर से जुड़ने की इच्छा रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर मैं परमेश्वर से जुड़ी रहूँ तो संसार की किसी भी अभिलाषा और किसी भी बातों की बुरी बातों में फंस ना पाऊँ, केवल परमेश्वर के साथ जुड़कर परमेश्वर के पीछे पीछे होना चाहती हूँ। और हाँ, मैं दूसरों की देखभाल और परमेश्वर उनसे प्रेम रखना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने ही हमें जैसे बनाया है वैसे ही औरों को भी बनाया है। और मेरा परमेश्वर महान खुदा और मेरा यीशु प्रभु हमसे प्रेम करता है, तो मैं भी हर किसी से प्रेम और उनकी
देखभाल करना चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में विराजमान है, वो हमारी देखभाल और हमारी कमी घटी को पूरा कर रहे हैं। तो वैसे ही मैं भी और उससे औरों का देखभाल और प्रेम बांट। आमीन। जैसे आपने जवाब दिया, यही बदलाव एक मसीह में आते हैं। जब वो परमेश्वर और मसीह को जानने और समझने लगते हैं, तो जो मसीह का स्वभाव है, मसीह का प्रेम है, वो हमारे अंदर आने लगता है। ये हर उस मसीह के अंदर आना चाहिए जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और जो इसने परमेश्वर से नया जन्म पाया है। बहुतों में ये बातें दिखाई नहीं देती है। प्रभु के बड़े दास सचिन क्लाई बताते हैं कि अगर कोई मसीह में है और उसमें जब उसके बदलाव और उसका बदला हुआ जीवन नहीं दिखाई देता है, तो इस बात को दिखाता है कि उस व्यक्ति ने अभी तक नया जन्म नहीं पाया और उसने पवित्र आत्मा उसमें कार्य नहीं कर रहा है। परंतु जिन्होंने भी परमेश्वर को ग्रहण किया, मसीह को ग्रहण किया, निश्चिंत ही उनमें बदलाव आते हैं और वे जो है अपने जीवन में उस बदलाव को भी अनुभव करते हैं। तो अभी दूसरा जो नाम यहाँ पर दिख रहा है, वो हमें हमारे दीपक जीजा जी का दिख रहा है। वे जवाब दे देंगे। पहले में और अभी में बहुत फर्क है सर। पहले का जीवन जो था और अभी का जीवन जो है, तो मैंने महसूस करता हुआ शायद सब लोग महसूस करते होंगे। और अब दो बाकी जीवन बचा है, मसीह के लिए आमीन। बहुत ही सुंदर जवाब इन्होंने दे दिया है ना, कि उन्होंने प्रभु को जानने के बाद इस बात को जाना है कि वो पूरा जीवन मसीह के लिए ही जिए, उसकी आत्मा में जिए। प्रभु आपको आशीष दे आपके जवाब के लिए। और अब हमें नाम दिख रहा है मीनाक्षी सिस्टर का, वो जवाब देंगे। प्रभु को जानने के बाद मुझे, यानी जो पहले मैं बहुत डरती थी, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती, बहुत सारी चीजें थी मेरी लाइफ में, लेकिन प्रभु को जानने के बाद जो डर था वो कम होता गया मेरा, और जो गुस्सा था वो भी नॉर्मल होते आ रहा है, और बहुत सारी चीजें थी जो यानी काबू में नहीं रहती थी, वो चीजों से भी छुटकारा दिया प्रभु ने। और बहुत सारी यानी जैसे अशांत मन रहता था, निराशा रहती थी, लेकिन उसको उसमें भी चेंजेस बहुत से आए प्रभु में आने के बाद। ऐसा यानी अकेला महसूस नहीं होता, कि ऐसा लगता है कि प्रभु है। जैसे कुछ मन में ऐसे गलत विचार भी आए कि कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी चलाते समय गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है नहीं, प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, प्रभु है अपने साथ। ऐसे यानी फीलिंग्स अच्छी होती है, यानी प्रभु का साथ है अपने साथ, ऐसा फील होता है कोई भी बात में। और ऐसे मन में तो इच्छा बहुत है कि दूसरों को भी प्रभु के बारे में बताने की। पहले हम डरते थे बहुत प्रभु का नाम को भी शेयर करने के, लेकिन अभी ऐसा जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं प्रभु में, तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें दूसरों को भी बताने की हम इच्छुक हैं, कि दूसरों को भी प्रभु का प्यार मिले, जैसे हमें मिला, हमारा जीवन बदला, वैसे दूसरों का भी जीवन बदलता जाए, ऐसा हम चाहते हैं। आमीन। ये बहुत अच्छा जवाब आपने दे दिया। प्रभु आपको आशीष दे। जिस प्रकार से ये उद्धार का आश्वासन और ये परमेश्वर कैसे हमारे स्वर्गीय पिता है, शिक्षा हम देख रहे हैं। मेरी कहानी और परमेश्वर की कहानी हमने देखा। मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, ये शिक्षा इसीलिए दी जा रही है ताकि आप औरों को बताने से पीछे ना हटे। आपको अपने बारे में नहीं बताना है, जो लिखा है जो है, यार बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कहते हैं और बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है ना। तो ये आपकी हिचकिचाहट को दूर करना चाहिए, क्योंकि आप आश्वासित हो रहे हैं। जब हमें आश्वासन हो जाता है कि दैट इज राइट, तो हम उसको बताने से कभी हिचकते नहीं है। इसलिए हर किसी से मैं कहना चाहता हूँ, ये शिक्षा ही इसलिए आपको दे रही है, ऐसे ही आप लोगों से बात करें, उन्हें आत्मिक मन्ना दे, उन्हें बताए जीवन और मृत्यु का फर्क, बताए पाप और स्वर्ग और नर्क का समझ उन्हें दे, उन्हें बताए जीवन क्या है, पाप की मजदूरी क्या है, ये सारी बातें आपको उन्हें बतानी है। तो जितने लोग इन दिनों शिक्षा में हैं और सीख रहे हैं, मेरे प्रभु के प्यारे सभी लोगों, बाइबल स्पष्ट है, जिसके पास पुत्र है अर्थात जिसके पास मसीह है, उसी के पास जीवन है। बाकी लोग दिखाई दे सकते हैं, परंतु वचन के अनुसार उनके पास जीवन नहीं, वो जी जरूर है लेकिन वे अनंतता में प्रवेश करेंगे, इसकी कोई सुनिश्चितता बाइबल हमें नहीं देती, पर केवल उनके लिए सुनिश्चितता देती है जो उस पर विश्वास करते हैं। तो मेरे प्रभु के प्यारे लोगों, लोग जब आपसे पूछे कि भाई विश्वास नहीं करने वालों का क्या होगा, आप बोलना इसकी सुनिश्चितता तो हम नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर और उसका वचन विश्वास करने के लिए पूरा आश्वासन प्रदान करता है कि वे निश्चिंत ही परमेश्वर के संतान बनेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और वे उस राज्य के वारिस बनेंगे।
इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार से सीख और सुन समझ रहे हैं इन दिनों में, अपनी आत्मा में थाम ले, इस प्रकार से बताए, इधर उधर की बातें ना करे, ज्यादा बकबक ना करे, वचनों से बोले, वचनों में सामर्थ्य है, वचनों में ताकत है, वचनों से आप बात करें, वचनों से आप बात करें। और एक एक शिक्षा सिक्वेंस वाइज चल रही है, गवाही देने के लिए हमारी गवाही भी अच्छी होनी चाहिए, प्रेम बताने के लिए हमें भी प्रेम रखना चाहिए, मेल समझाने के लिए हमारे जीवन में भी मेल दिखना चाहिए, अपने पीछे गंदे बीज नहीं बोना जिससे कि लोग आपके बारे में गलत बताए। हाँ, जब आप सही है और लोग अगर गलत बोलते हैं तो प्रभु आपको धन्य कहते हैं, लेकिन हमने सर ऊंचा करके आगे नहीं बढ़ना है, परंतु वचन कहता है कि हमें अपने अधर्म को मान लेना है, पाप को मान लेना है, ताकि प्रभु हमें क्षमा करे, क्योंकि वो अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। यह बात आपको मालूम रहे। अब अगला जो नाम है भाई उपेन का है, प्रभु को जानने के बाद और प्रभु की आत्मा को ग्रहण करने के बाद मेरे जीवन में शांति है और अपने जीवन में काफी सारी बदलाव को देखता हूँ। ये दूसरों के लिए तरस की आत्मा और उनको एक उद्धार का वचन सुनाने की अपेक्षा रखता हूँ। आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे आपके जवाब के लिए। अब यहाँ पर जो दूसरा नाम है भाई कुणाल ने तो मैसेज में भेज दिया है, रिजॉन का यहाँ पर नाम हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने सवाल पूछा है कि आंतरिक शांति, तो अवश्य जब हम परमेश्वर को जाने, उसके जानने के तुरंत बाद ही तो नहीं, परंतु जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे अवश्य परमेश्वर की शांति हमें पाई जा रही है और औरों से और प्रेम करने का उत्साह हमें और जाग रहा है कि हम और प्रेमी बनते चले जाए ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो सके, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। और जैसे कि क्षमा प्राप्त करने की शांति, अवश्य हम अपने जीवन में इस बात को महसूस कर पाते कि हम अवश्य क्षमा किए गए हैं, क्योंकि उस परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमें क्षमा किया है, तो उसकी शांति अवश्य और बकायदा उसकी खुशी भी हम महसूस करते हैं कि ईश्वर ने हमें माफ़ किया है, उन सारे पापों से आज़ाद किया है, और एक अंदर पाप से लड़ने की शक्ति भी हम महसूस कर पाते हैं जब ईश्वर को जानते हैं, उनके निकट जाते हैं, तो हमें वो सामर्थ्य काम करती है, इस चीज़ को हम महसूस कर पाते हैं, और औरों से और भी प्रेम करने का उत्साह हमें जागृत होता है जब हम ईश्वर के और निकट जाते हैं। धन्यवाद, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। अब अगला नाम सपना सिस्टर का दिख रहा है। जब हम परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जान सके तब हमारा जीवन बहुत सी ऐसी चीजों में, सोचों में या बहुत से ऐसे लोगों में फंसा हुआ था जो हमें बुराई की ओर लेके जाते। जब हम परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते कि हमारे लिए हमारे घर दूली में चढ़ाए गए, अपने बेटे को दे दिया, हमारे लिए हमारे पापों को क्षमा किया, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जिस वजह से हमें आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी परमेश्वर के करीब आगे बढ़ने में, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी सोचें थी निगेटिव सोच। जिस वजह से हम परमेश्वर के करीब आते गए, उनकी सच्चाई को करीब से जानते गए, फिर हम ये सारी चीजों से आजाद होते गए। आमीन। प्रभु आशीष दे आपके जवाब के लिए। अगला नाम है आरती का। प्रभु को जानने के बाद पहला परिवर्तन जो हमने अनुभव किया अपने जीवन में वह था कि हमारे व्यवहार के स्वरूप में, कि हमारा व्यवहार या हमारी जो वाणी थी, तो इसमें हमने अनुभव किया और ये परिवर्तन हमने पाया कि ये पहले जो कठोर और अभद्र सा था उसमें चेंजेस आए और जो हमारी वाणी जो कठोर सी थी वो नम्रतापूर्वक हुई, और ये बदलाव हमने खुद महसूस भी किया और अन्य लोगों से भी हमें ये आश्वासन मिला कि पहले जैसे हम थे वैसे हम नहीं रहे। और अभी परमेश्वर को जानने के बाद पहले तो हमें ये चीज़ प्रोत्साहित नहीं करती थी या हम उसके लिए उतने जागरूक नहीं थे कि हमें जो परमेश्वर का वचन मिला या प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना तो औरों तक भी हम इसे लेकर जाए, परंतु इन दिनों की शिक्षाएं हमें प्रोत्साहित और जागरूक कर रही है कि जितनों के नाम 30 लोगों के नाम जो हमने लिखे या और भी अन्य लोग जो हमारी आत्मा में हैं तो उन तक हम परमेश्वर के नाम को लेकर जाए और उन्हें भी सुसमाचार सुनाए। और एक चीज़ जो हमने महसूस की, जो हमने सबके सामने जो अंगीकार किया कि परमेश्वर को हमने चुना और उन्हीं के साथ हमें अपना जीवन बिताना है,
तो ये चीज हमें और भी गलत कामों से या गलत विचारों से इन दिनों में बचा रही है, और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आमीन। अगला जो नाम है कृष्णा का है, अब वो बड़ा हो गया है, इसी उम्र में हमने भी उधार पाया था, निश्चिंत ही वो जवाब देंगे। मैं अपना जीवन परमेश्वर के आने के बाद अपने आप में मतलब शांति को महसूस करता हूँ, और अपने मेरा जो जीवन है, मैं अपने जीवन से पाप को दूर करता हूँ और मैं परमेश्वर में नई सृष्टि हूँ। आमेन। आम्रपाली इसके बाद दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर में हम नई सृष्टि है, और निश्चित हमारे जीवन में जब से हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है उसके पहले हम नम्रता दीनता को नहीं जान पाते थे, परंतु जब से परमेश्वर का प्रेम हमें महसूस हुआ तब से हम नम्रता क्या है, दीनता क्या है, इन सब बातों को जान सके और अपने जीवन में अमल भी किए, और निश्चित परमेश्वर का प्रेम हमने महसूस किया है, और निश्चित परमेश्वर हमें अपने जैसे शिक्षाओं के तहत लेके जाते हैं, तो गंभीरता परमेश्वर ने हमें सिखाया, और निश्चित परमेश्वर की जुड़ने की इच्छा हमारे हृदय में रहती है और उसे प्रेम करने की, तो ये सारी बातें परमेश्वर ने ही अपनी इच्छा तक हमारे जीवन में डाला, तो हम इन सब बातों पर अमल करना चाहते हैं और हमारा जीवन भी ऐसे ही बदला रहता, प्रेम मेल मिलाप पवित्रता से बदला। आमीन। अब जो है अगला जो नाम यहाँ दिख रहा है भाई संतोष का दिख रहा है। यीशु को अपनाने के बाद जो बदलाव हमने अपने जीवन में पाया है वो ये है कि पाप को हराने की क्षमता। पहले हम जब मसीह में नहीं थे तब हमें सब चीज सही गलत जो भी था वो हमें पहचान नहीं थी, पर मसीह में आने के बाद हमें हमारी आत्मा हमेशा हमें सही राह पर चलाती है और गलत और सही की पहचान बताती है, जिसके कारण हम पाप को अपने जीवन से हरा पाते हैं। और जैसे कि प्रेम करना, पहले हम प्रेम करना सिर्फ उसी से करते थे जो हमसे प्रेम करता था, पर मसीह को अपनाने के बाद हम सबसे प्रेम करते हैं, किसी कंडीशन के आधार पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे हमें बनाया है वैसे सभी को भी बनाया, इसलिए हम मसीह को अपनाने के बाद सबसे प्रेम करते हैं और सबको माफ करना सीखे, सबको साथ मेल मिलाप करना सीखे, और जो अपना जीवन है किसी के शब्दों के आधार पर जीते नहीं है, केवल परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को जीना सीखे है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, सुंदर जवाब प्रभु आशीष दे। अगला नाम जो दिख रहा है राखी सिस्टर का दिख रहा है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका मिला है। हाँ, सच में हम परमेश्वर में नहीं सीखती हूँ। इतनी सारी समस्याओं में घिरने के बाद भी परमेश्वर हमारे आंतरिक मनुष्यत्व को बलवंत करता है और इतनी आशा और हिम्मत देता है। पहले हम बहुत डर जाते थे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अभी मैं इतनी परेशानी में भी हूँ, बट मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हाँ मैं अकेली हूँ। हमेशा मुझे परमेश्वर के वादे याद आते हैं। और हाँ, जैसे पहले मेरा जीवन था मसीह को जानने के पहले कि कुछ भी गलत करो तो भी मन कॉन्शियस मेरा मतलब कुछ मतलब कहता नहीं था, बट हाँ भी थोड़ा भी कुछ बोलो तो पहले आवाज़ आती है कि नहीं, हम परमेश्वर के राज के विरुद्ध नहीं जा सकते, क्योंकि हमने जो अनुग्रह पाया उसको हमें व्यर्थ नहीं जाना, जाने नहीं देना है। जो हम पर कृपा हुई है उसको हमें भूलना नहीं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे इस संसार से चुना है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ। आमीन। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। भाई कुणाल का, कुणाल कहते हैं यस परमेश्वर, और परमेश्वर के वचन मुझे काफी अच्छे लगते हैं। हाँ, मुझे पापी को माफ किया, मेरे कमजोर होने पर भी मुझे ग्रहण किया और मुझे कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करता हूँ अपने जीवन में। मैं परमेश्वर के प्रार्थना का अधिकार जो मुझे दिया उसके सुने जाने और जवाब देने को भी अनुभव किया है। शब्द कम है स्वर्गीय पिता के लिए, पिता सब कुछ है, महान है। भाई कुणाल ने ये जवाब दे दिया। सिस्टर नैना कहते हैं यीशु में मैं नया जीवन और पिता के प्रेम, शांति, सुकून और एक अच्छा साथी और पिता का साथ होने का आभास होता है। और भैया हम बोलना चाहेंगे,
ओके आप बोल सकते हैं। मैं काम भी कर रहा था थोड़ा। बोलना चाहेंगे भैया कि प्रभु में आने के बाद जैसे कि वचन बोलता है कि परमेश्वर ने उदयाचल से लेकर अस्तांचल तक हमारे पापों को दूर किया है, वैसे ही परमेश्वर ने और हमारे पापों को दूर करके हमें पूरा छुटकारा दिया है और पिता ने हमें मसीह में एक नया जीवन, नई सृष्टि बनाया, हमारे जीवन को अपने वचनों से एक नया आकार दिया है और परमेश्वर में हमारी अनगिनत गवाहियाँ हैं, अनगिनत बदलाव है जो हम अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं जो मसीह में हमने पाए हैं। तो उस पिता का धन्यवाद करते हैं, सभी को भी धन्यवाद। आमेन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सब लोग सहभागी हो रहे हैं, हम एक साथ बढ़ रहे हैं, खुदा को महिमा मिले। परमेश्वर इसी तरह अपने राज्य में अंत तक विश्वास योग्य रहने में हमारी सहायता और मदद करे। और मिनल का कहना है, प्रभु यीशु मसीह में मैंने नया जीवन प्राप्त किया जिसमें मुझे परमेश्वर का अनंत प्रेम पाया है और यीशु मसीह से मैंने उद्धार भी पाया और आगे भी मुझे यह विश्वास है कि प्रभु मुझे बहुत आशीष सदा देंगे और यीशु मसीह में मैं बहुत सुरक्षित भी महसूस करती हूँ। मैं पहले बहुत नकारात्मक विचारों की सोच करने वाली थी, बट यीशु में हो जाने के बाद मैं बहुत सकारात्मक हो गई हूँ और यीशु मसीह ने मेरा कठोर स्वभाव भी बदला है और यीशु मसीह के द्वारा मैं ग्रेसफुल जो हूँ। मुझे विश्वास है कि प्रभु मुझे आगे बहुत बढ़ाएंगे और अनंत जीवन में शामिल करेंगे। भाई रोशन का कहना है, परमेश्वर और परमेश्वर के वचन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे दूसरों से प्रेम रखने यहाँ वचन के साथ मुझे मेरे जीवन में काम किया और मेरे दिल में दया को रखा है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। सिस्टर फेथ कहते हैं, मसीह के आने के बाद हमने अपने जीवन में हम पिता के लिए वैल्यूबल है, प्रेम को और मीनिंगफुल लाइफ पिता दिया है, माफ़ी और अब और भी अधिक हम पिता के साथ जीने की आशा रखते हैं। इस माफ़ी का प्रेम के इम्पोर्टेंस को भी करीब से जाना है परमेश्वर में। प्रभु आप सबके जवाब के लिए, सुंदर जवाबों के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बहुत ही अच्छा आप सब लोग सहयोग कर रहे हैं, ये सब आपके जवाब होंगे। पर क्या होता है जब सवाल पूछे जाए, खासकर मैं बता रहा हूँ मेरे अनुभव से, सवाल जब पूछते हैं तो जवाब तो बहुत सुंदर सुंदर आते हैं लेकिन कई लोग जो बोलते हैं वो उनके जीवन में दिखाई नहीं देता। तो अगर ऐसा है तो मैं आप सबको विनती करना चाहता हूँ कि भाई जो भी जवाब आप लोग दे रहे हैं परमेश्वर में ऐसे ही आप पाए भी जाए, उस अनुग्रह को, उस पवित्रता को, उस प्रेम को, मेल को आप जिए जो प्रभु ने आपको दिया है, उस अधिकार को आप जिए, उन वादों को आप जिए परमेश्वर ने आपको दिया। आपको अलग से कुछ नहीं करना है बल्कि जो दिया जा रहा है उसे स्वीकार करके उसमें जीना है। मेरी बड़ी नम्र विनती है मसीह में और मसीह को स्मरण कराते हुए, उसके बलिदान को स्मरण कराते हुए उसने आपके लिए और मेरे लिए दिया है कि हम सब मसीह की सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाए। आई नो कि भाई कई बार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए, कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन पर्सनली जब आप एक रूम के अंदर है अपने जीवन को जांचे, प्रभु से कहे पिता ये औरों के सामने तो ऐसा है पर पर्सनली मैं क्या हूँ, मेरे दिल में क्या है, और प्रभु से क्या कोई बात छिप सकती है। यहोवा जो हृदय को जांचता है, तो प्रभु से कहे पिता मैं आपकी बेटी आपका बेटा हूँ, मेरे अंदर वही हो तो आपको भाता है स्वामी, क्योंकि आप जो चाहते हो अद्भुत है। प्रभु हमें कभी गलत करने नहीं कहते, मुझे पवित्र शास्त्र में एक भी जगह ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो हमें गलत करने कहते है ना। तो आप और मैं जो मसीह की संगी वारिस है और जो मसीह में पाए जाते हैं, आप सबसे विनम्र विनती है कि अच्छे बड़े निर्णय रूम के अंदर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में ही लिए जाते हैं। तो सबसे मेरा दरख्वास्त है, विनती है, निवेदन है कि इन दिनों अपना लक्ष्य स्वर्गीय रखें, संसार में ऊंचा उठने और बड़े होने से कहीं ज्यादा परमेश्वर में बढ़ने और उसका आनंद में जीने के लिए, उसके वादों में जीने के लिए अपने आप को सौंपें और देखें कि परमेश्वर कैसे आपका उपयोग करता है। कैथरीन कुलमर का वो कथन है ना कि मेरे पास एक बहुत छोटा विश्वास है तो मैंने एक बहुत बड़े परमेश्वर पर रखा है। तो आप भी उसी आत्मा वचन शक्ति सिधाई खराई में बढ़ते चले जाए और प्रभु आप सबको आशीष दे। कुछ और जवाब यहाँ पर आ गए हैं। भाई आशीष का कहना है, मसीह को अच्छे से जानने के बाद प्रेम को जाना है और यही प्रेम जो पिता से पाया है वही प्रेम में बने रहने और प्रेम में बढ़ने और प्रेम में रहकर हर बातों को करने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रुचि कहते हैं, हमने प्रभु में आने के बाद सबसे ज्यादा प्रेम सीखा और पाया है क्योंकि इसकी कमी हमें चाइल्डहुड से अपने लाइफ में महसूस की है।
और कॉन्फिडेंस भी बहुत पाया है। हाँ, कोई तो हमारे ऊपर है और चीज संभालने के लिए है, और वो कोई और नहीं, वो हमारा पिता परमेश्वर और मसीह है। ठीक है, तो प्रभु आप सबको आशीष दे।